आज तारीख हो चुकी है 1 अगस्त। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है एमएलसी लीग के फाइनल को लेकर। दरअसल कल यहाँ पर एमएलसी लीग का फाइनल मुकाबला यहाँ पर अमेरिका में खेला गया था। इस मुकाबले में मुंबई की टीम ने 185 रन यहाँ पर चेस करते हुए केवल 16 ओवर में ये टारगेट चेस कर लिया था। निकोलस पूरन इसके साथ ही ब्रेविस इसके साथ ही यहाँ पर मुंबई की तरफ से ट्रेंट बोल्ट का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ओवरऑल काफी अच्छा मुंबई ने इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस किया था, जहां पर शुरुआती अपने 5 में से 3 मुकाबले हारने के बाद पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर फिनिश करने के बाद यहां पर एलिमिनेटर क्वालिफाइड टूर फाइनल यहां पर 3 लगातार मुकाबले जीतकर मुंबई ने यहां पर एमएलसी लीग का यहां पर पहला ही सीजन जीत लिया। तो कुल मिलाकर मुंबई के अब यहां पर केबिन में 9 यहां पर ट्रॉफीज हो चुकी है, 5 आईपीएल ट्रॉफीज, इसके साथ ही 2 चैंपियन लीग ट्रॉफी, 1 यहां पर डब्ल्यूपीएल की ट्रॉफी और अब यहां पर 1 एमएलसी की भी ट्रॉफी हो चुकी है। हो सकता है कि अब यहां पर दिसंबर में अब मुंबई के पास 1 यहां पर SA20 लीग की भी ट्रॉफी आ जाए, तो 10 ट्रॉफी यहां पर दुनिया की सबसे सफल टीम ये आज की तारीख में वैसे भी, और 10 ट्रॉफी का यहाँ पर रिकॉर्ड भी ये टीम सेट कर सकती है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर दुनिया की सभी लीगों में से सबसे सक्सेसफुल आप कौन सी टीम को मानते हो? आप मुंबई को मानते हो, चेन्नई को मानते हो, कोलकाता को मानते हो, कौन सी टीम को आप सबसे सफल टीम मानते हो और क्या इसके पीछे का रीजन है? अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है निकोलस पूरन की तरफ से। दरअसल कल निकोलस पूरन ने यहाँ पर फाइनल में महज 40 बॉलों में शतक जड़ा था, जहाँ पर 55 बॉलों में नाबाद 137 रन की इन्होंने पारी खेली। इस पारी में इन्होंने यहाँ पर 13 छक्के जड़े थे। मुंबई को एक तरफा इन्होंने मुकाबला जीता दिया था। फाइनल में यहाँ पर 185 रन केवल 16 ओवर में यहाँ पर चेस करा दिए थे। हालांकि इस पारी के बाद इनको आईपीएल में भी मुंबई की तरफ से खेलने का प्रपोजल मिल रहा है, जहाँ पर मुंबई के मैनेजमेंट इनको यहाँ पर अपनी टीम में यहाँ पर आईपीएल में भी शामिल करना चाहती है। तो यहाँ पर निकोलस पूरन को मुंबई की टीम यहाँ पर ट्रेड का प्रपोजल दे रही है। हो सकता है निकोलस पूरन को भी शायद अब यहाँ पर लखनऊ की टीम ट्रेड कर दे, जहाँ पर क्विंटन डिको इसके साथ ही केएल राहुल को तो ये टीम यहाँ पर छोड़ने को देख रही। हो सकता है निकोलस पूरन भी अब यहाँ पर ट्रेड हो जाए, और अगर ये ट्रेड होते तो मुंबई की टीम आज की तारीख में इनमें सबसे अधिक इंटरेस्टेड है, और यहाँ पर शायद निकोलस पूरन भी पर्सनली इस टीम से खेलना चाहे, जहाँ पर एमएलसी लीग में इनको कप्तानी मिली और अपने करियर का हाईएस्ट स्कोर भी इन्होंने बना दिया। तो यहाँ पर शायद ये खुद पर्सनली भी मुंबई की टीम में आना चाहे। आप कमेंट करके बताइए आप निकोलस पूरन को क्या मुंबई की टीम में यहाँ पर देखना चाहोगे या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी की तरफ से यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के नाम कन्फर्म हुए, जो कि यहाँ पर रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट में यहाँ पर ऑलमोस्ट शामिल है। कुछ यहाँ पर सोर्सेज के अकॉर्डिंग कुछ खिलाड़ियों के नाम पता चले। इनमें नाम आता है दिनेश कार्तिक का, हर्षल पटेल का नाम आता है, केदार यादव, शाहबाज अहमद का और फिन एलन का। कुल मिलाकर इन 5 खिलाड़ियों के तो पहली रिलीज लिस्ट में यहाँ पर नाम है, ऑफिशियली ये यहाँ पर आरसीबी की तरफ से यहाँ पर कन्फर्म्ड है। तो कुल मिलाकर ये खिलाड़ी आरसीबी की तरफ से यहाँ पर ऑलमोस्ट रिलीज है। अब जल्दी बाकी टीमों के भी यहाँ पर हमें रिलीज प्लेयर्स के नाम जानने को मिलेंगे। इसके साथ ही आरसीबी के बचे हुए रिलीज खिलाड़ी भी अब जल्दी यहाँ पर कन्फर्म्ड हो जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम सबसे पहले यहाँ पर टीमों के रिलीज खिलाड़ी और आईपीएल की न्यूज़ यहाँ पर अपडेट करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, सारे अपडेट्स और सारी खबरें सबसे पहले वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है भारत आयरलैंड की यहाँ पर सीरीज को लेकर। दरअसल अगस्त के महीने में हमें भारत और आयरलैंड के बीच 3 यहाँ पर T20 मुकाबलों की इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सीरीज देखने को मिलेगी। सीरीज में अब यहाँ पर स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो चुकी है और बुमराह का इस सीरीज में कमबैक हुआ है। बुमराह को अब कप्तानी सीरीज में मिल चुकी है, जहाँ पर बुमराह कप्तान है, ऋतुराज गायकवाड वाइस कैप्टन है। इसके साथ ही स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, इसके साथ ही मुकेश कुमार और यहाँ पर आवेश खान को इस स्क्वाड में रखा गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बुमराह अब कप्तान बन चुके हैं। इसके साथ गायकवाड जिनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती है वाइस कैप्टन बन चुके, तो यहाँ पर ये इस सीरीज में अब हर एक मुकाबले में हम प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस सीरीज के लिए परफेक्ट स्क्वाड है या फिर नहीं। क्या आप यहाँ पर बुमराह को T20 वर्ल्ड कप में भी आखिर भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की तरफ से। दरअसल यहाँ पर खबर ये थी कि आयरलैंड सीरीज से यहाँ पर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल अपना कमबैक करेंगे। बुमराह इन तीनों के नाम थे, लेकिन बुमराह ने तो कमबैक कर लिया, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी अभी भी कमबैक नहीं कर पाए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये दोनों खिलाड़ी अभी भी फिट नहीं है। शायद ये दोनों खिलाड़ी एशिया कप
कप भी अब मिस करते हुए दिखे। एशिया कप में भी ये दोनों खिलाड़ी ना दिखे तो कुल मिलाकर एक तरीके से भारतीय टीम के लिए यहाँ पर बुरी खबर है। भारतीय टीम को बड़ा झटका लग सकता है। आयरलैंड सीरीज के बाद डायरेक्टली भारतीय टीम एशिया कप खेलेगी। यहाँ पर सीरीज समाप्त होने के बाद 31 अगस्त में एशिया कप देखने को मिलेगा। तो बुमराह तो एशिया कप में चले जाएंगे, केएल राहुल और सुरेश अय्यर शायद एशिया कप में ना जा पाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग सुरेश अय्यर और केएल राहुल की जगह आखिर एशिया कप और वर्ल्ड कप में कौन से प्लेयर्स को भारतीय स्क्वाड में देखना चाहते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है मुंबई के ओनर नीता अंबानी की तरफ से। दरअसल कल एमएलसी लीग के फाइनल के दौरान नीता अंबानी से यहाँ पर रिपोर्टर ने ये पूछा था कि कौन से क्रिकेटर को ये सबसे अधिक लाइक करते और कौन से क्रिकेटर को वो मुंबई की टीम में देखना चाहते। इस प्रकार के इनसे सवाल पूछा गया था तो यहाँ पर नीता अंबानी ने विराट कोहली का नाम दिया। नीता अंबानी ने कहा कि यहाँ पर प्लेयर के तौर पर वो विराट कोहली को सबसे अधिक पसंद करती है। विराट कोहली का हार्ड वर्क और विराट कोहली जितने एफर्ट फील्ड पर लगाते वो सब कुछ इनको काफ़ी अधिक पसंद है और यहाँ पर वो चाहती है कि यहाँ पर कभी ना कभी यहाँ पर विराट कोहली मुंबई का भाग हो। हालांकि नीता अंबानी ने कहा है कि ये यहाँ पर टोटली पॉसिबल नहीं है। इसके बावजूद उनकी इच्छा है कि विराट कोहली एक बार यहाँ पर कम से कम मुंबई के लिए आईपीएल खेले। मुंबई के लिए यहाँ पर किसी भी लीग में वो एक बार यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर परफॉर्मेंस करे या फिर एक बार मुकाबला खेले। आप कमेंट करके बताइए कि आप भी विराट कोहली को क्या मुंबई में एक साल के लिए या फिर कुछ मैचेस के लिए देखना चाहते हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सातवीं बड़ी खबर की। तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है भारत और वेस्टइंडीज के यहाँ पर तीसरे वनडे मुकाबले को लेकर। दरअसल आज यहाँ पर शाम 7 बजे से हमें भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये सीरीज एक एक की बराबरी पर हो सकता है। आज विराट कोहली और रोहित शर्मा कमबैक कर ले, काफी इंपॉर्टेंट ये मुकाबला, स्पेशली एशिया कप से पहले ये ऑलमोस्ट आखिरी ओडीआई मुकाबला है। तो शायद ये दोनों खिलाड़ी आज यहाँ पर एशिया कप से पहले ये मुकाबला खेल ले। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग भारतीय टीम में आज के मुकाबले के लिए क्या चेंजेस होने चाहिए। बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है कपिल देव की तरफ से। दरअसल कपिल देव का यहाँ पर करंटली काफी बड़ा स्टेटमेंट निकल कर है, जहाँ पर कपिल देव ने ये कहा कि पिछले 5-6 सालों में यहाँ पर आईपीएल की वजह से खिलाड़ियों ने इतना अधिक पैसा कमा लिया है कि खिलाड़ियों में अब काफी अधिक एटीट्यूड आ चुका है, एरोगेंस आ चुका है। इस वजह से खिलाड़ी यहाँ पर अपने सीनियर खिलाड़ियों से बात नहीं करते, सीखते नहीं। इन्होंने यहाँ पर 2014 के विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया। इन्होंने बताया कि 2014 में जब विराट कोहली का फॉर्म खराब था तो सचिन तेंदुलकर के पास जाकर विराट कोहली ने एक महीना उनके साथ टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद विराट कोहली का काफी अच्छा परफॉर्मेंस, काफी अच्छा फॉर्म था। इस प्रकार से इन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया कि आज की तारीख में अगर खिलाड़ियों का खराब फॉर्म है, खिलाड़ी इंजर्ड है, तो यहाँ पर सीनियर खिलाड़ी के पास आकर वो बातचीत नहीं करते। एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ियों के पास आकर वो बातचीत नहीं करते और उनसे यहाँ पर सलाह नहीं लेते हैं। तो इससे यहाँ पर पर्सनली खिलाड़ी को और भारतीय टीम को नुकसान हो रहा है। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर पैसा अधिक आ जाने की वजह से अब खिलाड़ियों में काफी अधिक एरोगेंस आ चुका। आप कमेंट करके बताइए आप कपिल देव की बात से आखिर एग्री करते हो या फिर नहीं, आपके अकॉर्डिंग क्या इनका ये सही पॉइंट है या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।